नमस्कार दोस्तों। तो सोशल मीडिया पे एक हैशटैग है, एल्विस वर्सेस मनीषा। वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जो है वो हैशटैग पे अपनी भी राय रख रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अंकित हैं। अंकित काफी बारीकियों से इस मामले पे जो है वो देख रहे हैं, और ये बहुत पहले से एल्विस और मनीषा दोनों को फॉलो करते हैं। ओटीटीवी में जब वो लोग बिग बॉस में आए थे, तब भी एल्विस जो है उन दोनों पे नजर रखे हुए थे, अभी भी नजर रखे हुए हैं। तो एल्विस पहले मनीषा रानी का वीडियो सामने आया, मनीषा ने कुछ ऐसे बयान दिए कि एल्विस उनके साथ क्या किए, इसके बाद से अनफॉलो का मामला आया। फिर मनीषा ने ये भी बताया कि पहले अनफॉलो किया था तो उन्होंने फॉलो भी किया था, इस बार एल्विस को सामने आके उनको फॉलो करना चाहिए था। फिर अभी एल्विस का वीडियो सामने आया है, एल्विस ने उस पे सफाई दी है, और जो बहुत बड़े फैन फॉलोअर्स हैं दोनों ही, जैसे कि ओटीटी से दोनों बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए बिग बॉस के बाद से, तो दोनों के बहुत बड़े फैन फॉलोअर्स हैं। और एल्विस आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर सुर्खियों में है भी, और उन्होंने मनीषा को एक खासा वजह भी दिया है कि उन्होंने क्यों इस बात को फॉलो और अनफॉलो वाले मामले में उन्होंने क्यों जो है वो मनीषा से बात नहीं की। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं और आपने आपने कैसे इसको देखा है, इस मामले को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से दिव्यांशी की सोशल मीडिया पे पिछले कुछ समय से ये बातें चल रही हैं, एल्विश वर्सेस मनीषा, और जो एल्विशा का एक सोशल मीडिया पे एक हैशटैग बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई है, मनीषा रानी ने एक वीडियो डाली सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि मैंने एल्विश को अनफॉलो क्यों किया, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे 12 बजे दोपहर को। तो इससे पहले ये कहानी शुरू कहाँ से हुई वो बताता हूँ। ये कहानी सोशल मीडिया पे एक यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं एल्विश यादव, काफ़ी ज़्यादा इन दिनों कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं, जेल भी गए थे और कई सारे मुद्दों में उनमें कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। वहीं बात की जाए तो एल्विश यादव एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, जब उनसे एक सवाल किया गया कि आपने मनीषा रानी ने आपको अनफॉलो क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों वाली बातें हैं, हालांकि मुझे नहीं पता रीज़न उन्होंने अनफॉलो क्यों कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तो बच्चे वाली चीज़ है कि मैं आपसे नाराज़ होगी तो अनफॉलो कर दिया, ऐसा कह के उन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया। वहीं मनीषा रानी ने जब इस पे पूरी बात रखी, उन्होंने क्या कहा आपको कुछ तीन पॉइंट्स के माध्यम में समझाता हूँ। पहली बात उन्होंने कही कि हम दोनों की कोलैबोरेशन डील थी, जो एल्विश मेरे पास लेके आए थे, एक कंपनी की डील थी जहाँ पे इन दोनों को कोलैबोरेट करके एक रील डालनी थी, और रील दोनों ने बना के डाली, लेकिन एल्विश ने क्या, मनीषा रानी ने कहा कि एल्विश यादव ने कवर फोटो में उनकी जगह अपने और अक्षय कुमार की फोटो लगाई, जिसके कारण मनीषा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि कोलैब उन दोनों ने किया था और कवर फोटो में भी दोनों की फोटो होनी चाहिए थी। ये हुआ पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था कि मनीषा रानी ने ये कहा कि एल्विश यादव से मैं इसलिए भी नाराज़ हूँ क्योंकि जब हमने एल्विश यादव को कॉन्टैक्ट करना चाहा मेरी टीम ने कि एल्विश यादव और कटारिया को कि इस कवर फोटो को चेंज कर दो, तो उन्होंने कहा कि एल्विश अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बात कर देंगे, अभी फ्लाइट में है। तो उसके बाद कुछ दोपहर से शाम हुई, शाम को दोबारा कॉल किया गया, उन्होंने कहा फ्लाइट थोड़ी सी लेट है, जैसे एल्विश आएंगे शाम को रात को वैसे हम कवर फोटो चेंज कर दी जाएगी, ऐसा मनीषा रानी ने कहा। फिर शाम से रात होगी तो रात के 1:30 बजे दोबारा से कटारिया को कॉल किया गया, फिर कटारिया ने एल्विश को फ़ोन किया और एल्विश ने कहा अब फोटो नहीं चेंज हो सकती, दैट्स इट। तो ये दूसरा पॉइंट था जहाँ पे मनीषा रानी ने अपनी एक और बात रखी। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि आप सभी मुझे ट्रोल कर रहे थे, आप सभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप एल्विश यादव को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे उनके जेल वाले कांड के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट तब करती जब एल्विश भी अपनी साइड से दोस्ती रखते हैं, एल्विश ने ना मुझे कॉल किया जबकि मैंने उनको खुद कॉल करके पूछा कि आपने मुझे अनफॉलो हुआ, ये सब सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि एल्विश ने मुझे कहा कि ये सब मजाक हम कर रहे हैं, थोड़ा फन के वे में ये चीज़ें हम ले रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हो गया। बाकी उन्होंने कहा कि जब आपने बात की थी कि मेरी कवर फोटो रखने की तो आपने वो बातें नहीं की, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा अभी हो नहीं सकता, अगली बार कभी हम कोलैबोरेशन करेंगे तो आप अपनी खुद की फोटो लगा लेना या अपनी फैमिली की फोटो लगा लेना। तो ये चीज़ें थी, ये मनीषा रानी ने जो अपनी कहानी सुनाई, एक तरफा कहानी ये मनीषा की तरफ से हो गई। अब मैं दिव्यांशी आपको बताना चाहूँगा एल्विश यादव ने इसके ऊपर काउंटर में क्या कहा, ये भी तीन पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि देखिए पॉइंटर्स में समझना आसान है। एल्विश यादव ने पहले जवाब ये दिया, उसने कहा कि बिल्कुल मैं डील लेके गया था, ये बात सच है, और मैंने मनीषा रानी के साथ इससे पहले भी कोलैब किया हुआ है, मुझे कोई शर्म नहीं है फोटो डालने में क्योंकि बलैरो गाने में हमने साथ में काम किया और मेरे से ज़्यादा मनीषा रानी के फोटो और उनके खुद के पेज पे उन्होंने अपना डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं उन्होंने कहा कि मैंने अक्षय कुमार की फ़ोटो इसलिए लगाई थी क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहा इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जैसे यूट्यूब आप सभी को फॉर्मेट पता है कि क्लिक बेट करके एक नाम होता है कि वो उन्होंने कहा कि ताकि इंगेजमेंट बढ़े और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप डील आए, तो उसको उसको लेके मैंने जो अक्षय कुमार और अपनी फोटो लगाई थी कि लोग सोचे कि इन दोनों का कहीं कुछ आ तो नहीं रहा।
दूसरा उन्होंने पॉइंट कहा कि रही बात कि सोशल मीडिया पे मैंने ऐसा ट्रेंड चलवाया या मैं एल्विशा करके हैशटैग कह रहे, ये मैं कभी मानता ही नहीं था, ये मनीषा ने खुद अपनी तरफ से शुरू किया था बिग बॉस के घर के अंदर, मैं तब भी सपोर्ट नहीं करता था। और मनीषा रानी ने वहाँ पे भी खुद से ही कहा था कि मैं मजे करेंगे इस हैशटैग को लेकर, थोड़ा फन करेंगे। तो दूसरी बात ये गलत होगी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनीषा रानी ने कहा कि उन्होंने मेरे को फ़ोन करना चाहा, तो उन्होंने कहा मैम मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियां चल रही हैं और आपके लिए ये परेशानी कि मेरे को अनफॉलो कर दिया है, मेरी फ़ोटो नहीं लगाई, बड़ी आपके लिए आपके लाइफ में एक बड़ी मुसीबत होगी या बड़ी आपके लिए दिक्कत होगी, लेकिन मैं इस समय मैं जेल जा रहा हूँ, या जेल जाने से बड़ी आपकी ये दिक्कत जेल जाने से बड़ी तो नहीं होगी, और या फिर मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरे को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं, मेरी कभी आगे मेरे माँ बाप के साथ जो है काफ़ी जो उन्होंने कष्ट देखा है 5-6 दिनों में जब वो जेल में रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक इस समय अपनी वेकेशन जोन में हूँ और मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि अगर इन सब चीज़ों से बड़ा है किसी का कवर फोटो है, तो अगली बार मैं खुद आपका खुद लगा दूंगा, ऐसी कोई ब्रांड डील आती है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से दोस्ती खत्म नहीं हुई है और ना ही मैं कभी मनीषा के बारे में बुरा सोचा, वो अच्छी इंसान है, शायद हम में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेके जाएं। और उन्होंने भी कहा है कि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं कि आप किसी को बोल दो तूने मेरी फोटो नहीं लगाई, मैं तेरे को अनफॉलो कर देता हूँ, तो उन्होंने कहा इस इन चीज़ों से हटके आपको एक मेच्योरनेस दिखानी चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मनीषा रानी का इतना ही वो था कि उनको इतना ईगो हर्ट होगी उनकी, तो उन्होंने अभी तक वो रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में क्यों रखी है, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझे और मैं भी इस बात को समझूंगा, और अगर दोनों इस बात को समझते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से दोबारा दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दोनों की तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया है, अभी तक दोनों ने एक दूसरे को दोबारा फॉलो नहीं किया, तो अभी फिलहाल अभी तक तो यही लगता है कि अभी तो दोनों के बीच में कोई सुलह नहीं हुई है। लेकिन अगर होती है या नहीं होती, या आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है ज़रूर बताएं, क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी थी मैक्सटेंस वाली, क्योंकि मनीषा रानी ने कहा कि मैक्सटन वाली कंट्रोवर्सी मैंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि आप भी दोस्ती सामने से नहीं निभा रहे थे, आपका मुझे कोई कॉल नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से आपस में एक रंजिश है, आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब ये देखना होगा कि कौन किस तरह से जाके एक दूसरे से बात खत्म करता है, कितनी दूर तक ये कंट्रोवर्सी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फैंस जो है मनीषा के फैन एल्विश आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, एल्विश आर्मी मनीषा को टारगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को लगातार दोनों की तरफ से एक दूसरे पे जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है। तो लास्ट में दिव्यांशी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस कॉन्ट्रोवर्सी को किस तरह देखते हैं और आप क्या चाहते हैं कि मनीषा और दोनों दोबारा से रियूनियन हो जाए, एल्विशा वाला जो हैशटैग है वो दोबारा से एक हो जाए। देखिए, हैशटैग के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एलविशा वाला हैशटैग जो था वो दोस्ती के नहीं, थोड़ा से प्यार के तरीके से आया था, लेकिन शुरू से ही देखा गया है कि एलविश यादव की तरफ से मनीषा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी दोस्ती दोस्ती वाला हैशटैग वापस आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है एलविश और मनीषा और अभिषेक, ये तीनों ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक तरीके से आप बोल सकते बिग बॉस को एक चेहरा थे, और मुझे लगता है इनको कोलैब करना देखना दर्शकों को भी पसंद होगा, फैंस बहुत ज्यादा है एलविश के भी, मनीषा के, अभिषेक के भी, तो मुझे लगता है फैंस चाहेंगे कि तीनों एक साथ रहे, क्योंकि जो तीनों है वो स्टार्स हैं, स्टार्स बन गए हैं, मनीषा लगातार कई शो में भी आई हैं, तो शो जीती भी हैं, जीती भी हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इतनी छोटी बात पे बिल्कुल दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी नहीं है। कमेंट्स भी आप जाके पढ़ेंगे तो आप फैंस ऐसी ऐसी कि आप बच्चे हो क्या, ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल बात बड़ी नहीं है, और इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर दोस्ती तोड़ने लगे तो हमारे कोई दोस्ती नहीं रहेंगे, क्योंकि हम रोज अनफॉलो फॉलो खेलते हैं। तो पिछली बार मैक्सटन से कंट्रोवर्सी हुई थी तो एल्विश खुद सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अब ये देखना होगा एक और कंट्रोवर्सी एल्विश वर्सेस मनीषा, अब देखते हैं कौन सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन आपकी क्या राय है कि किसको दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खास वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आप आई होप आपको ये अच्छी पूरी वीडियो रिसर्च वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप काफ़ी कुछ जान पाए होंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो दोनों के बहुत बड़े फैन हैं, और आप भी एल्विश मनीषा के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।